हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई ट्रेवल इंश्योरेंस इज मैंडेटरी फॉर द ट्रेवल। गाइस, मैक्सिमम जो कंट्रीज होती है उसमें ट्रेवल इंश्योरेंस जो है उसको मैंडेटरी करके रखा है। उस कंट्री में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, लाइक इटली, स्पेन, अगर आप उनमें ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ पे कंट्रीज ने पहले से ही दे रखा है। जो आप फ्लाइट जैसे बुक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऊपर दिख जाएगा, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग टू स्पेन, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग टू एनी काइंड ऑफ यूरोप कंट्रीज, सो वहाँ पे मेंशन रहता है यू नीड टू बाय ए ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी। सो ट्रेवल इंश्योरेंस जो पॉलिसी रहती है वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो ये बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपका कोई भी फैमिली ट्रिप हो, आपका बिजनेस ट्रिप हो, या फिर स्टूडेंट ट्रिप हो, या फिर ट्रांजिट हो, आप जिस भी पर्पज़ के लिए आप किसी कंट्री में विजिट करते हैं तो आप एक फ्लाइट टिकट बुक करते हैं। उस फ्लाइट टिकट बुक करने के साथ साथ में आपको एक ट्रेवल इंश्योरेंस भी बाय कर लेनी है। ये एकदम चीप प्राइस में आपको मिल जाएगी। जैसे इंडियन रुपीज़ में 300-200 रुपीज़ में आपको 5 डेज 7 डेज़ की ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी ईजी आपको मिल जाएगी। तो ये आपको लेगी तो ये बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपकी जो ट्रेवल है, आपकी जो जर्नी है उसको प्रोटेक्ट करेगी। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी दिस ट्रेवल पॉलिसी विल प्रोटेक्ट यू। तो आपको ये ट्रेवल इंश्योरेंस ज़रूर से लेना चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको ट्रेवल इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेवल इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे ये आपको प्रोटेक्ट करती है और क्या इसका महत्व है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूँ, लाइक लॉस ऑफ पासपोर्ट, लॉस ऑफ लगेज, फ्लाइट डिले और एनी काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी इन आउट ऑफ योर कंट्री। तो ये जो मेजर हैं, चार मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। अगर आपने ट्रेवल इंश्योरेंस प्लान बाय करके रखा है आपने ट्रेवल करने से पहले, तो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर सकती है ये पॉलिसी। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉस्ट बैगेज और लगेज मिसिंग। अगर आप किसी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं आपके लगेज के लिए और आपका लगेज आपको नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लगेज का वेट करते रहते हैं, बट आपको एंड ऑफ द टाइम आपको आपका लगेज नहीं मिलता है, तो आपके पास में ऑप्शन ये रहता है कि जो पहले तो आप एयरलाइंस जो टीम है उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपका लगेज है उसमें कुछ समथिंग इम्पोर्टेंट है, आपका जो पर्सनल है, जो कॉस्टली आइटम है, जो भी है, उनका जो भी एक एस्टिमेट अमाउंट जो बनता है वो आपको ये पॉलिसी आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपने अच्छी कंपनी का पॉलिसी बाय करके रखा है तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने कोई पॉलिसी बाय नहीं की है तो आपको लगेज का, बैगेज का कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आप किसी भी कंट्री में चाहे ट्रेवल करें 2 दिन 5 दिन के लिए, तो आप ये छोटी सी ट्रेवल पॉलिसी ज़रूर से निकालें। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। दूसरा इसका बेनिफिट्स है लॉस ऑफ पासपोर्ट। अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं और आपका पासपोर्ट खो जाता है, किसी थर्ड कंट्री में खो जाता है, तो इस एवज में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिससे कि आपको जैसे लोकल आपको रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ती है और आप विदाउट पासपोर्ट के आप अपनी डेस्टिनेशन पे ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, तो आपको काफ़ी सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से आपकी ट्रेवल पॉलिसी में सारी ये डिटेल्स दी हुई है। अगर आप आपका लॉस ऑफ पासपोर्ट हो जाता है तो आपको जो पॉलिसी आपने ले रखी है तो उसमें पूरी डिटेल दी हुई है, आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करने हैं, जिससे कि आप अपनी ट्रेवल जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। तो काफ़ी हद तक इसमें भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है। तीसरा इसमें है मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी ये एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हर थर्ड पर्सन को होती रहती है। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं आप, या फिर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद में आपको लैंड करते हैं आप उस कंट्री में, करने के बाद में अगर आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी लाइक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो इस केस में आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा? अगर आपने कोई पॉलिसी बाय नहीं की है तो अपनी कंट्री से बाहर अगर आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव होता है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। वो आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपेंसिव होता है, सब कुछ एक्सपेंसिव होता है। तो इन केस ऑफ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो आपको ये ट्रेवल पॉलिसी आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगी। तो इसमें जो आपका मेडिकल है पॉलिसी है उसमें आपका टोटल कवर है वो दिया हुआ है। इसमें आपका कितना एस्टिमेट है वहाँ पे सब कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है। अगर आपने ये पॉलिसी बाय की है तो आप किसी भी कंट्री में अगर इन केस ऑफ
एनी काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी तो आपको प्रोटेक्ट करेंगी, और आपका जो भी बिल है उसका आपको कुछ परसेंट और आपको मिल जाएगा। इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूँ, फ्लाइट डिले। फ्लाइट डिले एक नॉर्मल चीज़ है, मैक्सिमम टाइम पे आपने देखा होगा वेदर खराब होने की वजह से या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है कई बार एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, तो जो आपकी फ्लाइट रहती है वो डिले हो जाती है। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे केस में आपने अगर कोई ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से बाय कर रखी है तो उसमें जो आपकी फ्लाइट होती है अगर फ्लाइट आपकी मिस हो गई या फ्लाइट डिले हो गई तो उसका भी आपको पूरा रिटर्न मिलेगा। उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन आपको रिटर्न में लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है उसके अकॉर्डिंग, तो ये पॉलिसी काफ़ी हद तक आपकी मदद कर सकती है। तो ये चार पॉइंट जो मैंने आपको बताए इनको मद्देनजर रखते हुए आप कोई भी ट्रेवल इंश्योरेंस एक अच्छी कंपनी की बाय जरूर करें किसी भी थर्ड पार्टी कंट्री में ट्रेवल करने से पहले। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।